हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बच्चा पार्टी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम 2 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे कौन से सब्जेक्ट के? बिजनेस स्टडीज के बच्चों, 2 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड के लिए प्लस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहली बात, बिजनेस स्टडी का पेपर है बच्चों, लेंथी आएगा पेपर, टाइम लगेगा पढ़ने में, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पर पढ़ने में टाइम लगेगा। और इस बार का ये अज्यूम करके चल रहे हैं सारी फैकल्टीज और एक्सपर्ट की तरफ से ये भी निकल के आ रहा है कि इस बार का जो पेपर होगा ना बच्चों, वो लेंथी होगा, यानी उसमें लिखने का जो प्रोसेस होगा हमारा लेंथी होगा। इसलिए बच्चों ढंग से हमें पेपर पढ़ना है, क्या कह रहा है पेपर हमें देखना है। प्लस आपको तो पता है, आपने टर्म 1 भी दिया था जिसमें हमारी ज्यादातर क्या आएगी बच्चों, केस स्टडीज आएगी। कोई केस दे दिया उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। यही चीजें इसमें भी आने वाली, यही सारी चीजें इनमें भी आने वाली है, इस वाले पेपर में भी आने वाली है। सो सही तरीके से हमें क्या करना है, पेपर को एनालाइज करना है, एंड देन हमें क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन द पेंट इंडस्ट्री, ठीक है, एक पेंट इंडस्ट्री है जिसका काम क्या है, पेंट बनाना। वेरियस रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन विद पेट्रोलियम फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स, ठीक है। बहुत सारे कलर्स बनते हैं, बहुत सारे पेंट बनते हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल जो है बच्चों मिक्स किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम का भी यूज होता है पेंट में बनाने के लिए, ठीक है। वन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल इज नॉट रीडली एंड रेगुलरली अवेलेबल टू दी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो कि अवेलेबल नहीं है पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, जो जरूरी है पर अवेलेबल नहीं है। बॉन्डलर पेंट कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसमें भी बच्चों एक कंपनी है बॉन्डलर, जो पेंट कंपनी है, वो भी यहाँ पे क्या कर रही है, इस जो इशू है, वो जो रॉ मटेरियल है जो उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है, ये जो है बच्चों इसकी जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रही है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम लैग हो रहा है बिटवीन किसके बीच में, जो ऑर्डर प्लेस किया है और जो रिसीव हुआ है मटीरियल, उनके बीच में टाइम लैग है। बट Once it receive the raw material, it take less time in converting it into finished good. और बच्चों अगर, पर यहाँ पे क्या है, जब raw material available हो जाता है, जब raw material मिल जाता है तो easily paint बहुत जल्दी क्या हो जाता है, finished good में convert हो जाता है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब बच्चों identify करना, identify the factor affecting the working capital requirement of the industry. अब बच्चों इसमें देखना है कि ये जो case है, इस case के base पे हमें देखना है कि कौन सा बच्चों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है बच्चों इस इंडस्ट्री के लिए, पेंट इंडस्ट्री के लिए, इसमें कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है इस केस में, जल्दी से बताओ मुझे, इस केस में कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, जल्दी से कौन बताएगा मुझे कि ये जो हमने केस पढ़ा है बच्चों, जिसमें हमने देखा कि एक रॉ मटेरियल जो कि पेंट बनाने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, वो क्या है, अवेलेबल नहीं हो रहा, और जब वो अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है बच्चों, फिनिश गुड बनने में टाइम लग रहा है। सो बच्चों यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, अरे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन में बता दिया आंसर भाई, मैंने पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर बता दिया। देखो अगर रॉ मटेरियल यहाँ पे बच्चों क्या है, अवेलेबल नहीं हो रहा है भाई, एक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल, एक एसेंशियल रॉ मटेरियल जिससे फिनिश गुड बनता है, जिससे पेंट बनता है, अगर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो बच्चों क्या होगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो मैम यहाँ पे कौन सा वर्किंग कैपिटल काम कर रहा है,
है। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है बच्चों अफेक्टेड हो रहा है, इफ द रॉ मटेरियल आर नॉट सफिशिएंट इनफ देन द ओवरऑल प्रोसेस मे स्लो डाउन। अगर रॉ मटेरियल जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है बच्चों अगर वो नहीं मिल रहा, अगर वो नहीं मिल रहा है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो मैम ये वाली जो चीज है वो क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को? अच्छा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए? हमें डे टू डे ट्रांजेक्शंस के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वही बच्चों वही हमारे जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं, हमें प्रोडक्शन करना, बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, हमें कोई बिल्डिंग लेनी है, उसके लिए हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो वो क्या होगी, फिक्स कैपिटल होगी। डे टू डे काम के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमें कैपिटल रिक्वायर होती है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल परचेज करना जो है बच्चों, हमें जो सेलिंग के लिए, सेल देते टाइम या सप्लाई करते टाइम जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल सही। डे टू डे हमारी एक्टिविटी के लिए जो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो हमारा क्या होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगर हम देखें ना, ये जो इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री थी, तो इसके लिए कौन सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो यहां पे बच्चों इफेक्ट कर सकती है? प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। भाई जो रॉ मटेरियल है उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन है ये जरूरत रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, भाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है किसी भी कंपनी की, ये भी यहाँ पे मायने रखता है। दूसरा है बच्चों नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, भाई अवेलेबिलिटी नहीं है या कम अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, सो उससे भी क्या होगा बच्चों, फिनिश गुड बनने में टाइम लग जाएगा। इफ द प्रोडक्शन गेट अफेक्टेड देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गेट अफेक्टेड। अगर हमारा प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, अफेक्ट होगा, भाई हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है, तो इससे हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हमारी कंपनी की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। बहुत अच्छे पूजा, बहुत अच्छे बच्चे, क्लियर है। तो इसमें ये चीजें क्या हो रही है बच्चों, इसमें कौन सा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है कि भाई सफिशिएंट नहीं है रॉ मटेरियल, इससे हमारा ओवरऑल जो प्रोसेस है, हमारा ओवरऑल जो ऑपरेशंस है वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। क्लियर बच्चा, पहले का आंसर देख लिया। अच्छा ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन लिए, और इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों आपके, इन्हीं बेसिस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट ₹20,000 इन ट्रेजरी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज। When he approached the Reserve Bank of India for this purpose, he came to know that it was not possible. Identify the reason why the investor could not invest in a treasury bill. बताओ, इसका आंसर सभी सही बताएंगे मुझे, मुझे इसका आंसर सही चाहिए। बताओ, ट्रेजरी बिल यहाँ पे वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? ट्रेजरी बिल यहां पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? बताओ भाई क्यों नहीं? देखो एक पर्सन, एक इन्वेस्टर है जिसके पास ₹20,000 है, वो चाह रहा है कि 91 डेज में वो क्या करे, एक ट्रेजरी बिल परचेज करे और इसमें इन्वेस्ट कर दे। देखो कितना है, ₹20,000। व्हेन ही अप्रोच, भाई रिजर्व बैंक से उसने कहा कि भाई मेरे को ट्रेजरी बिल दे दो, पर रिजर्व बैंक ने क्या कहा, हम नहीं देंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं देंगे, ₹20,000 ही है, नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। क्या रीजन है कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है ट्रेजरी बिल में? बहुत बढ़िया, मोहम्मद उस्मान ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि मैम 25,000 इन्वेस्ट। यस, ट्रेजरी बिल का जो मिनिमम अमाउंट है बच्चा इन्वेस्ट करने का, मिनिमम अमाउंट है ट्रेजरी बिल में, मिनिमम अमाउंट जो है बच्चा इन्वेस्ट करने का वो कितना है,
मिनिमम अमाउंट जो है ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करने का वो है बच्चों 25,000। अगर 25,000 से कम में आप इन्वेस्ट करोगे ट्रेजरी बिल में तो आपको ट्रेजरी बिल नहीं मिलेगा। यस, मिनिमम ट्रेजरी बिल का अमाउंट क्या है बच्चे? मिनिमम ट्रेजरी बिल का अमाउंट है 25,000। इसके पास तो 20,000 ही थे, इसके पास कितने थे? 20,000 ही थे। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने मना कर दिया इसको कि हम नहीं देंगे। अ ट्रेजरी बिल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ शॉर्ट टर्म डेट issued by RBI on a behalf of central government to meet its short term requirement of a fund. ठीक है, ट्रेजरी बिल है बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किसका है? शॉर्ट टर्म डेट का इंस्ट्रूमेंट है। और बच्चों इसको इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करता है। किसके बिहाफ पे इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है, ताकि सेंट्रल बैंक को क्या मिल सके, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे बच्चों जो शॉर्ट टर्म पैसे की जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो सके। ठीक है, पूरी हो सके। और मिनिमम अमाउंट जो है बच्चों जो जिससे ट्रेजरी बिल अवेलेबल हो सकता है, जिससे हम ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, वो कितना है? 25,000। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, जो मिनिमम क्राइटेरिया है ट्रेजरी बिल का वो फुलफिल नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे बच्चों जो ट्रेजरी बिल के लिए जो डिमांड करी थी इन्वेस्टर ने वो यहाँ पे रिजेक्ट हो गई और यहाँ पे वो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है जल्दी से बता दो कि मैम क्लियर है, जल्दी से मैसेज कर दो कि मैम क्लियर है, फटाफट से। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है कि मैम हमें यहां पे ये डाउट हो रहा है? एनीवन, एनीवन, कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको डाउट हो रहा है कि मैम हमें समझ में नहीं आया? सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी से मैसेज कर दो, जल्दी से, अरे फटाफट से मैसेज करो कि मैम क्लियर है। ओके बच्चा पार्टी, ओके। सो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन ये तो आप कोई भी बता सकते हो। बताओ जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट है बच्चों, जो क्या करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सबसे पहला लेवल ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, उसमें जो रेड्रेसल जो फॉर्म बनाया हुआ है, भाई लोगों का जो कंप्लेन है वो सुनने के लिए जो फॉर्म बनाया हुआ है वो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के में बनाया था, तो इसमें क्या क्या है इसके बारे में बताना है, इसमें क्या क्या है इसके बारे में बताना है। सो सबसे पहले प्राइमरी लेवल ही है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है, प्राइमरी लेवल है। कब बना था? यहाँ पे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म मीन्स अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिडेंशियल फॉर्म एस्टेब्लिश अंडर द क्लॉज ए इन अ सेक्शन 9 इन जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ये जो प्राइमरी लेवल पे ये जो बच्चों लोगों की कंप्लेन सुनने के लिए यहाँ पे लोगों को जो भी प्रॉब्लम है इनको सुनने के लिए बच्चों यहाँ पे जो भी सबसे पहला लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरसल फॉर्म, जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, किसमें बना था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। ठीक है, इसके साथ ही स्टेट और नेशनल लेवल के भी बने थे। अब बच्चों अगर हम बात करें कितने लोगों से मिलके बनाया है, इसमें कंसिस्ट है बच्चों एक प्रेसिडेंट होता है, दो अदर मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये जो फॉर्म है इसमें जो लोग हैं तीन लोग होते हैं, पहला है बच्चों प्रेसिडेंट होता है और दो होते हैं बच्चों अदर मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। बस इतनी सी चीज पूछिए, इसमें दो मार्क्स में आपको ज्यादा नहीं लिख के आना, इतनी सी चीज पूछिए। ठीक है, बहुत अच्छा, ओके आशुतोष। बच्चे क्या कहना चाह रहे हो? मैम बीएसटी क्लास फॉर इकोनॉमिक्स क्लास टुडे वी हैव, मतलब क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके क्लियर है बच्चा? नहीं, सेक्शन नहीं करना है, आपका मन हो तो कर सकते हो, आपका मन हो तो नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप सेक्शन लिख रहे हो तो बच्चा आपको याद होना चाहिए कौन सा सेक्शन है। अगर सेक्शन आपने गलत किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सेक्शन अगर नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना है। आप एक्ट लिख लो, एक्ट कौन सी ईयर में आया था? 1986 में। आप इसमें लिख लो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रेडरसल जो फॉर्म है बच्चों कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से एक्ट में एस्टेब्लिश हुआ था, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो फॉर्म है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
1986 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, बस इतना सा लिखना है, ठीक है। एक्ट नहीं लिखना, अगर एक्ट याद है तभी लिखना है, एक्ट याद है तभी लिखना है, अगर एक्ट याद नहीं है तो नहीं लिखना है। यस 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 वेद प्रकाश, यस बच्चा, ठीक है, ओके। ज्यादा नहीं लिखना है, हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। हेडिंग में इकोनॉमिक्स लाइव क्लास लिखा है, कहाँ लिखा है बच्चे, बिजनेस स्टडी तो लाइव क्लास लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का, कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ दिख रहा है क्या, मेरे को तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या इकोनॉमिक्स का लाइव क्लास, आप लोगों को दिख रहा है क्या। देखो इसमें क्या बताया है, इसमें कुछ भी नहीं पूछा है, जो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1986 में बना था, इस पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी सुनवाइयां होती है उसके बारे में बताना है कि वो कैसे बनता है, कितने लोग होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सिंपल सा बात है कि जो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल जो फॉर्म है वो एस्टेब्लिश हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ था, जो कितने लोगों से मिलके बनाए, 3 लोगों से मिलके बनाए। पहला है बच्चों एक प्रेसिडेंट होता है जिसमें, और 2 क्या होते हैं, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, और इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान की गवर्नमेंट करेगी, जैसे यूपी में है तो यूपी की गवर्नमेंट करेगी, बिहार में है तो बिहार की गवर्नमेंट करेगी, दिल्ली में है तो दिल्ली की गवर्नमेंट करेगी, है ना। टाइमलाइन पे लिखा हुआ है, टाइमलाइन कहाँ दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा टाइमलाइन पे लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, अच्छा इसको चेंज करवा देंगे, है ना बच्चे, इसको चेंज करवा देंगे, इसको चेंज करवा देंगे, है ना, इसको चेंज करवा देंगे, वो गलती से थोड़ा टेक्निकल वो हो गया होगा, इसको चेंज करवा देंगे, है ना बच्चे, इसको चेंज करवा देंगे, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अथॉरिटी एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो आप भी बता सकते हो मुझे, ये तो आप भी बता सकते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें इसके जो डिफरेंसेस है वो बताने हैं, ठीक है, डिफरेंसेस है वो बताने हैं। सो बच्चा फॉर्मल और इनफॉर्मल का हमें डिफरेंस देखना है, तो मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिए हैं। तो फॉर्मल जो होता है बच्चों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जो हायर अथॉरिटी बना देती है उससे बनता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एज द डिफाइंड बाय अ मैनेजमेंट, ठीक है। ये बच्चों रिलेशनशिप होता है अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और ये बनाता कौन है, मैनेजमेंट बनाता है, मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग करके इसको बनाता है, ठीक है, इसको प्रॉपर प्लानिंग करके बनाता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है बच्चों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसे ही बन जाता है। देखो स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, अपन जो दोस्त होते हैं हम अपने अकॉर्डिंग हमारे दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है। वही टीचर कोई प्रोजेक्ट दे दिया टीचर ने, और आपकी आपके जो प्रोजेक्ट वर्क में कुछ सेलेक्ट करके आपके साथ साथ स्टूडेंट रखे हैं, वो क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जब हम हमारे दोस्तों के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपने मन से हमने हमारे दोस्तों के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज, तो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है, बिल्कुल होता है बच्चे, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। ओरिजिन की बात करेंगे, दिस स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी रूल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, मैनेजमेंट में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं, वो होता है, दिस स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सोशल इंटरेक्शन, ये सोशल इंटरेक्शन से बनता है, ये वाला जो होता है हमारा, जो हमारा दोस्तों का ग्रुप होता है वो क्या होता है बच्चों, इनफॉर्मली होता है। इसी तरह इंप्लॉयज का आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चों ग्रुप बनता है, जो इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से, सोशल गैदरिंग से बनता है, वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। अथॉरिटीज की बात करें, अथॉरिटीज डिफाइन, देखो इसमें अथॉरिटी कौन डिफाइन करता है, जो मैनेजर मैनेजरियल जो पोजीशन पे होते हैं वो अथॉरिटी इसमें डिफाइन होती है, और इसमें इसमें बच्चों पर्सनल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, अथॉरिटीज बन जाती है। हमें पता है कि हमारे दोस्तों में 5-6 दोस्तों में एक जो है अच्छी तरह से बोलता है, अच्छी तरह से वो चीजें मैनेज करता है, तो हम उसको कह देते हैं कि हाँ भाई आप ही संभालना पूरे ग्रुप को, तो वो क्या हो गया, वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा
कैसा चलता है बच्चों? सेकुलर चेन से चलता है, अथॉरिटीज होती है पहले, ऊपर से क्या होगा कम्युनिकेशन आएगा, ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, फिर वो नीचे एक पूरा पूरा हायरार्की चलती है, ऊपर से ऑर्डर आया, फिर नीचे वाले पास आया, फिर जो काम कर रहे हैं उनके पास आया। इसमें अगर हम देखें बच्चों, इसमें नो प्लान्ड रूट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जिसके पास कोई चीज पहुंच गई वो बाकी सबके साथ अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट नेचर की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर रिजिड। ये क्या होती है बच्चों? रिजिड होती है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है इसमें, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं, कोई भी हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों इसको मैनेजमेंट बनाता है, तो सबके साथ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो बिहेवियर होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे उसमें जो है क्लेश होता रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखते रहते हैं कि भाई हाँ हमें पता है कि हमारे जैसे ही लोग हैं, हम इनके साथ आराम से इजीली, इनके साथ आराम से इजीली बिहेव कर सकते हैं, इनके साथ आराम से इजीली काम कर सकते हैं, तो क्या होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब बताओ मुझे इतना क्लियर? ठीक है, सो बच्चा इनफॉर्मल और इनफॉर्मल में हमें तीन डिफरेंस देखे थे, इसमें हमने पांच डिफरेंस लिखे हैं। आपको देखो, तीन डिफरेंस ही लिखने हैं, टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो तीन डिफरेंस ही लिखने हैं, तीन डिफरेंस ही लिखने बच्चा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द स्टेप इन अ सिलेक्शन प्रोसीजर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड बिफोर द जॉब ऑफर। बताओ भाई, जॉब ऑफर से पहले और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद में कौन कौन से स्टेप होते हैं? सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक एक बच्चा मुझे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताएगा। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चों, जो प्राइमरी स्कैनिंग होती है या प्राइमरी इंटरव्यू होता है तब से स्टार्ट होता है, और बच्चों जो खत्म होता है वो होता है बच्चों हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। उसके बाद में भी होती है चीजें, जैसे कि यहाँ पे इंसेंटिव दे दिया, बोनस दे दिया, यहां तक चलती है। तो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला स्टार्टिंग कहां से होती है सिलेक्शन प्रोसेस की? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। बहुत अच्छे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद में क्या होता है, यहाँ पे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, इसके बाद में क्या होता है बच्चा, इसके बाद में क्या होता है? देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, कौन से कॉलेज में आप पढ़े हो। उसके साथ साथ क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आपका जो पिछला वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, ठीक है, कैसा था। उसके बाद में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ठीक है बच्चा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बिहेवियर टेस्ट होता है, बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय इंटरव्यू, एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में देखा जाता है। देखो, जो पर्सन इसमें क्लियर हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू से बच्चों थोड़ा सा ना इनडेप्थ होता है इंटरव्यू, बहुत अच्छे से उसको देखा परखा जाता है, उसे बहुत ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए तो आप कैसे इससे बाहर निकलोगे, अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए तो कैसे आप बाहर निकलोगे। जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर आपको याद है तो यूट्यूब पे आपने आईएएस का इंटरव्यू देखा है क्या, किसी भी बच्चे ने जो है, बच्चों को, जो बच्चे, जो स्टूडेंट या फिर जो आईएएस की जो तैयारी करते हैं वो मॉक इंटरव्यू देते हैं। सो क्या आपने, आई थिंक सो कि बहुत सारे बच्चों ने आईएएस का इंटरव्यू देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज जाके देखना। मॉक इंटरव्यू होते हैं बच्चों, जिसमें देखा जाता है कि जो सिचुएशनल इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होंगे, कि आपके सामने अगर ये सिचुएशन आई तो आप कैसे इसमें रिएक्ट करोगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल
ओके, वेद प्रकाश ने तो पूरा ही बता दिया, वेद प्रकाश ने तो पूरा ही बता दिया। ठीक है, इम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद क्या होता है अगर हम बात करें। सो इम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद हमारा इम्प्लॉय इंटरव्यू तो हो ही गया, जिसमें क्या करा जाता है, यहाँ पे इन डेप्थ पूछा जाता है, कन्वर्सेशन होते हैं इन डेप्थ, जिसमें पूरा सब कुछ एप्लीकेंट जो होता है, जो जिसका सिलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में सब कुछ देखते हैं कि वो सुटेबल है या नहीं है जॉब के लिए। इसके बाद देखो यहाँ से चीज लिखना, यहां से चीज निकला, अगर ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चलो सब सब जो इंटरव्यू में बैठे हैं वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, बंदा काम कर सकता है। इसके बाद में होता है बच्चों रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। अगर वो कहीं से भी, कहीं से दूसरी कंपनी से आया है, तो उसका क्या होगा, बैकग्राउंड चेक होगा कि वहां पे इसका बिहेवियर कैसा था, वहां पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इस तरह का बैकग्राउंड चेक होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है बच्चों सिलेक्शन डिसीजन। अब बच्चों उसके बाद में जो जो मेंबर्स होते हैं, जो सेलेक्ट करने वाले मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं, वो क्या करेंगे, वो सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि भाई सेलेक्ट करना है या नहीं करना। इन अ फाइनल डिसीजन हैड मेड फ्रॉम द अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। के बाद में क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन होगा। और लास्टली क्या होता है बच्चों, उसके बाद में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि जो है कहीं ये फिजिकली फिट तो नहीं है, मेंटली फिट है या नहीं है, इस तरह का बच्चों क्या होता है, इस तरह का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो तीन चीजें हैं इसमें, देखो यहां से रेफरेंस जो है, रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाता है देन क्या होता है, उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, उसको ऑफर लेटर दे देते हैं कि मैं कल से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आना शुरू कर देना, आपकी ये सैलरी है, आप आना शुरू कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे हर्ष, बहुत अच्छे बच्चे, क्लियर है। बहुत अच्छे, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, देन क्या दिया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है, देन जॉब लेटर दिया जाता है, देन उसको क्या दिया जाता है, उसका इंडक्शन या ओरिएंटेशन कराया जाता है। इसके बाद के बता रही हूँ, इंडक्शन और ओरिएंटेशन करवाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में अप्रेजल होता है। ठीक है, लास्टली अप्रेजल पे आ जाते हैं। तो बच्चों ये इसका आंसर है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये तीन लिखना जरूरी है, ये तीन लिखना जरूरी है। अब इतना भी मत लिख लेना, दो दो लाइनें लिखनी है। ठीक है, दो दो लाइनें लिखनी है आपको, दो दो लाइनें लिखनी है बच्चा, क्लियर। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई ऑफ अ कंपनी रेंज बिटवीन 10-12% फॉर द पास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल से कोई कंपनी है, उसका जो आरओआई है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कितने से कितने बीच में है, 10 से 12 के बीच में है। टू फाइनेंस इस फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर बोरोड डेट। ओके, अब बच्चों फ्यूचर में जो फिक्स कैपिटल की नीड हुई इसको, इसको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसके लिए इसके पास दो ऑप्शन है भाई, ये बोरोड करेगी डेट, डेट बोरोड करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है। पहला है बच्चों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रखें, क्या इस पे बोरोड करें, या फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% रखें या इस पे बोरो करें। अभी नहीं बनी बच्चे, अभी नहीं बनी, ठीक है, हाँ अभी नहीं बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सोर्स ऑफ डेट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर, गिव रीजन इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज इन टेकिंग द डिसीजन। बताओ इसमें से हम कौन सा जो है मेथड यूज करेंगे भाई, कौन सा ऑप्शन हम अडॉप्ट करेंगे। अच्छा किसी एक बच्चे ने कहा है कि मैम बी करेंगे, अच्छा कुछ ने कहा ए, ए क्यों करेंगे, ए क्यों करेंगे, वाई हम ऑप्शन ए क्यों अडॉप्ट करेंगे, हम ऑप्शन ए क्यों अडॉप्ट करेंगे, बताओ हम ए ऑप्शन क्यों चूज करेंगे, जब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, तो हम ए क्यों चूज करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, हमने डेट लिया, हमने क्या लिया है, हमने डिबेंचर इशू किया, हमने डेट लिया है। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों जब हम डेट लेते हैं ना, उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो, मैंने क्या करा है, 100 रुपए, क्या करें, 100 रुपए के किसी से डेट लिया है,
मैंने 100 रुपए किसी से डेट लिया है, मैंने किसी से लोन लिया है, बदले में मुझे उसको कितना पे करना पड़ेगा, इसके साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की अमाउंट भी तो पे करनी पड़ेगी। अब देखो, पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना देना है, यहाँ पे 9% देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब बच्चों देखो, ओवरऑल मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, मैंने पैसा कितना लिया है, 100 रुपए लिए हैं, बदले में मुझे कितना देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, मुझे 109 रुपीज जो है वो देना पड़ेगा लोगों को, अगर मैं 9% इंटरेस्ट रहते कोई भी अमाउंट है वो क्या कर रही हूँ, बोरो कर रही हूँ। अब यही बच्चों, यही केस है अगर 13% हो तो बच्चों इसी 100 रुपए पे मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 113 रुपीज जो है एज अ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ साथ मुझे ये पूरा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पैसा ज्यादा जा रहा है, इसके साथ साथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, भाई मेरा आरओआई कितना है, मेरे आरओआई की रेंज है बच्चों कितना है, 10-12% ही है, यानी मेरा रिटर्न कितना है, सिर्फ 10-12% ही है। अब 10-12% मेरा रिटर्न है, अब बच्चों मैं इससे ज्यादा पेमेंट कर रही हूँ, भाई मैं 13% का इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैं हमेशा जितना मेरा आरओआई होगा उससे कम ही पे करूंगी, भाई मेरे को जितना मिल रहा है उससे कम ही तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी, उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे करके क्या मेरे को डुबानी है कंपनी, मैं कभी भी अपनी कंपनी को डुबाऊंगी थोड़ी ना, ठीक है, मैं अपनी कंपनी को भाई डुबाऊंगी थोड़ी ना, मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे करके तो अपनी कंपनी को डुबा ही नहीं हूँ। सो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द बोरोइंग एट द इंटरेस्ट रेट इज अ लोअर एट द इंटरेस्ट रेट लेसर द इंटरेस्ट पेड, दिस इज अ बिकॉज अ लोअर इंटरेस्ट रेट इज एसेंशियल लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ योर लोन। ठीक है, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, आगे आप भी बिजनेस करोगे, किसी से भी लोन वगैरह लोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितना इंटरेस्ट रेट कम हो उसी पे हमें क्या करनी है, बोरो करनी है मनी। ठीक है, उसी पे क्या करेंगे हम, जो लेसर इंटरेस्ट रेट है उसी पे बोरो करेंगे, क्योंकि लेसर इंटरेस्ट रेट से हमें क्या देना पड़ेगा, हमें पैसा भी कम देना पड़ेगा, एज अ इंटरेस्ट अमाउंट हमें देनी पड़ेगी। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, सपोज दैट जो लोन है हमने जो लिया है बच्चों वो 200 रुपए का है, सपोज दैट वो 200 रुपए या 200 करोड़ का है विथ एन इंटरेस्ट रेट कितना है, 13% है, तो बच्चों हम कितना पे करेंगे, हम बदले में कितना पे करेंगे, हम जो ये जो अमाउंट है वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस 26 रुपीज, देखो 200 प्लस 26, ये बच्चों इंटरेस्ट है, हमें एक्स्ट्रा जो है 26 रुपीज क्या देना पड़ेगा, जिसने हमें पैसा दिया है जो लेंडर है उसको हमें 226 रुपीज देने पड़ेंगे, वेयर एज विथ एन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट 9% है तो बच्चों हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें सिर्फ 218 रुपए ही देने पड़ेंगे। ठीक है, लोअर द इंटरेस्ट रेट लोअर द कॉस्ट यू फेस, ठीक है, जितना लोअर इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही लोअर हमें क्या देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा, इतना क्लियर है। फर्दर मोर, सिंस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज 10-12%, बोरोइंग एट एन इंटरेस्ट रेट इज 13% विल डेफिनेटली गिव नेगेटिव रिटर्न। अगर बच्चों हम 13% पे बोरो करते हैं मनी तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा, हम डूबने लग जाएंगे, हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है उसी पे बोरो करेंगे। क्लियर है बच्चा, सारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बता दो मुझे कि मैम क्लियर है हमें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कि मैम क्लियर है हमें। मैंने क्या कहा, जब भी हम कुछ समझाएंगे तो हमें एग्जाम्पल से समझाना है, क्योंकि एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैम एग्जाम्पल से क्या होता है, एग्जाम्पल से सही इम्पैक्ट पड़ता है जो एग्जामिनर होता है उस पे। जल्दी से मैसेज करो कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से थम्सअप कर दो कि मैम क्लियर है, थम्सअप करके बता दो कि मैम क्लियर है। डेली होती है बच्चे, डेली होती है, बिल्कुल, फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन है, यस, ये जो है फाइनेंसिंग डिसीजन है वेद प्रकाश, यस, क्लियर, रोज होती है, एक दिन बीएसटी होती है, एक दिन क्या होगा, इको होगा, कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे, 3 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इको के। ठीक है, ओके बच्चा, नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ सुपरविजन एज अ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, बताओ सुपरविजन क्या होता है, बिल्कुल आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन, भाई बिजनेस स्टडी में केस बेस्ड क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इवन आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे वो भी केस बेस्ड ही आएंगे। बताओ मुझे सुपरविजन के बारे में, बताओ सुपरविजन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे सुपरविजन के बारे में। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक फैक्ट्री है बच्चों, आपकी एक फैक्ट्री है, कोई भी अज्यूम कर लो आपकी एक फैक्ट्री है, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, आपने 5 लेबर लगा रखे हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए। ठीक है, आप सुबह सुबह जाते हो फैक्ट्री में, सुबह 7 बजे पहुंच जाते हो और रात को 10 बजे घर आते हो,
अब बच्चों इस ड्यूरेशन में आप देखते हो कि कैसे लेबर काम कर रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहीं पे भी कोई भी उनसे गड़बड़ होती है तो आप उनको रिकरेक्ट करते हो कि नहीं इसको इस तरह से करो, तब आपका क्या होगा, अच्छे से प्रोडक्शन होगा। ऐसे कहोगे या नहीं कहोगे, ये कहोगे या नहीं कहोगे, मुझे ये बताओ। नहीं, ये एसएसटी नहीं है, ये कहोगे या नहीं कहोगे? बिल्कुल कहेंगे मैम, ऑब्वियस ही बात है। देखो सुपरविजन का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे, सुपरविजन, वेरी गुड वेरी गुड। यहां तो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। सुपरविजन का मतलब क्या है कि जो इम्प्लॉयज हैं, जो क्या है बच्चों, सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनसे हमें काम करवाना है, जो काम कर रहे हैं उनको सही से क्या करना, उनको डायरेक्शन देना सही से, उनको यहाँ पे बच्चों सही से गाइड करना, उनको उनके काम को यहाँ पे बच्चों क्या करना, उनके काम को देखना कि भाई टाइम से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सही काम हो रहा है नहीं हो रहा, यही क्या होता है बच्चों, यही सुपरविजन होता है। सुपरविजन रेफर्स टू एन एक्ट by which any person inspect or supervise the work of other people। क्या होता है, कोई भी person है वो as a act करता है, act क्या करता है या inspect करता है, inspect या supervise करता है किसके, दूसरों के काम को supervise करना है कि भाई ये जो काम कर रहे हैं वो proper तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो time duration है वो कर उस duration में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो raw material उनको दिया है उसका wastage तो ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है, उसका वेस्टेज तो ज्यादा नहीं कर रहे, ठीक है बच्चा। सुपरविजन इज अ डायरेक्शन, गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ वर्किंग फोर्स विथ अ व्यू एज अ सी दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड कीपिंग टाइम स्केड्यूल, ठीक है। सुपरविजन मतलब क्या है, यहाँ पे क्या करा जाता है, जो सबॉर्डिनेट्स है उनको डायरेक्शन डायरेक्ट किया जाता है, उनको गाइडेंस दी जाती है, उनका जो वर्क फोर्स है उनको कंट्रोल किया जाता है और देखा जाता है कि उनको जो टास्क दिया है वो प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जो हमारा टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ये सब देखना ही क्या होता है बच्चों, सुपरविजन होता है। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है, जल्दी से मैं इसको मैसेज करके बता दूं कि मैम क्लियर है। अरे पढ़ने वाले पढ़ते हैं और जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ते हैं। हेलो उमाकांत, हेलो बच्चे, हेलो सागर, हेलो बच्चे, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ना होता है वो एंटरटेनमेंट ही करते हैं अपना, और कुछ ही नहीं है, जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं बस और कुछ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वेद प्रकाश, बिल्कुल, दूसरों के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, वही क्या हो गया बच्चों, वही हमारा सुपरविजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाई इज एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड इन अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, भाई हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने का मीनिंग क्या है? आप देखते होंगे ना बहुत सारे, आगे फ्यूचर में भी आप एग्जाम दोगे जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यस एग्जामिनेशन में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, क्यों देते हैं भाई, क्यों लिया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या जरूरत है एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का, बताओ मुझे इसका आंसर बताओ, एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या, क्यों लिया जाता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चैम की तरफ से आंसर आया है कि इसमें देखा जाता है पोटेंशियल एम्प्लॉयज का, उनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि वो न्यू लर्निंग न्यू स्किल को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि इसमें क्या है ना, स्किल देखी जाती है, किसी भी एम्प्लॉय की स्किल देखी जाती है कि वो किसी भी नई चीज को, नई स्किल को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, ये इसमें स्किल देखने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, कि भाई कितनी जल्दी, कितना पोटेंशियल है उसमें कि कितनी जल्दी नई लर्निंग वो सीख सकता है, न्यू स्किल वो सीख सकता है। इट इंडिकेट द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप, भाई कितनी जल्दी वो अपने आप को, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा ऑफिस है या वर्किंग इन्वायरमेंट है, इसमें कितनी जल्दी वो इसको अडॉप्ट करके अपने आप को डेवलप कर सकता है, ये देखा जाता है। सच टेस्ट आर गुड
इंडिक्स फॉर अ पर्सन फ्यूचर सक्सेस स्कोर। और ये जो टेस्ट है ये इसलिए लिया जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को कितना जल्दी, यहाँ पे बच्चों फ्यूचर स्कोर जो है उसका इम्प्रूव हो, वो अपने आप को कितना जल्दी डेवलप कर सकता है नई नई स्किल को सीख सीख के। सो बच्चों यही क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे हर्ष। चेक द पोटेंशियल ऑफ एबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स, ठीक है, चेक की जाती है, ठीक है। स्किल और एबिलिटी, स्किल और एबिलिटी कितनी जल्दी वो लर्न कर लेता है, कितनी जल्दी बच्चों वो जो है नई नई स्किल्स जो है वो लर्न कर लेता है, यही पोटेंशियल है इसमें देखा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, भगवती एंटरप्राइजेस इज अ कंपनी इंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है। भगवती एंटरप्राइजेस है एक कंपनी है जो क्या काम करती है बच्चों, जो एयर कंडीशनर की मार्केटिंग करती है, ऑफ अ फेमस ब्रांड, ठीक है, एक फेमस ब्रांड है उसका एयर कंडीशनर का मार्केटिंग करती है। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर विथ 4 मेन फंक्शन, भाई इसके 4 मेन फंक्शन है भाई, इनका फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड स्टाफिंग, ठीक है। एज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ग्रो, ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर एम्प्लॉय, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, कंपनी के पास ज्यादा डिमांड आ रहा है एयर कंडीशनर का, ठीक है, प्रोडक्ट का ग्रो हो रहा है डिमांड, तो बच्चों यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो क्या करे, नए एम्प्लॉयज को क्या करे, रिक्रूट करे। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड अ टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल सो दैट ही कुड डिसाइड टू रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब बच्चों यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हमें फाइंड करना है, नंबर बताना है कि इसमें, पहली बात तो इसमें कौन सा आइडेंटिफाई हुआ है कॉन्सेप्ट ये देखना है, दूसरा है बच्चों इसमें यहाँ पे पर्सनल कितने लोग, पर्सनल का मतलब होता है कितने जो है वर्कफोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये देखना है कि भाई किस तरह से अगर हमें पता चल जाए कितने नंबर तक वर्कफोर्स अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। बताओ इसमें ये बता दो मुझे, ये क्या बता रहा है, ये जो है क्या कहना चाह रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब मेरे को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, अपने आप ही आंसर बता रहे हैं, मतलब मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, मतलब मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे तो अपने आप ही बता रहे हैं। वेरी गुड, देखो क्या यहाँ पे बच्चों है, देखो यहीं से चीज समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए सोच रहे हैं। अब इम्प्लॉयज की जो रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हम एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन किसका करते हैं, मेन पावर का, एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। अब एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर में क्या देखा जाता है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर में क्या देखा जाता है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर में देखा जाता है कि डिमांड है या सप्लाई है, भाई मैन पावर की क्या है, डिमांड है या सप्लाई है, मैन पावर की डिमांड है या सप्लाई है। अब मैन पावर की डिमांड और सप्लाई कैसे पता चलती है, तो उसके दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं, एक होती है बच्चों वर्कफोर्स, ठीक है, वर्कफोर्स यानी कितने लोग हैं, और एक होता है बच्चों वर्कलोड, एक क्या होता है वर्कलोड। अब देखो अगर अगर वर्कलोड ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, भाई लोगों के पास काम ज्यादा है पर लोग कम है, ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा है, जैसे ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में पता चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, वर्कलोड ज्यादा है पर वर्कफोर्स कम है, सो इस ड्यूरेशन में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, भाई नया रिक्रूटमेंट निकालेंगे, देखेंगे कि भाई हमें और इंप्लॉइज की जरूरत है, मतलब रिक्रूटमेंट निकालेंगे। अब सप्लाई की बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, वर्कफोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है और वर्कलोड जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वर्कफोर्स क्या होती है इसमें ज्यादा है और वर्कलोड यानी कम है, तो मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, वर्क मैन पावर की सप्लाई ज्यादा हो रही है। सो बच्चों इसमें क्या होगा, फिर इसमें फिर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, और इस कंडीशन में क्या करा जाएगा, इस कंडीशन में टर्मिनेशन करा जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, क्लियर है बच्चा, इस कंडीशन में टर्मिनेशन होगा। ओके, बहुत अच्छा ठीक है, इतना क्लियर, ओके बच्चा बाड़ी।
सो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, कंपनी कांट प्लांट अ ह्यूमन रिसोर्स इफ इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन विच द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन. ठीक है, अब कोई भी कंपनी है बच्चों वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग नहीं कर सकती जब तक उसको पता नहीं होगा कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कितनी इंफॉर्मेशन है. भाई हमारे ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं हमारे पास, तब तक वो किसी भी चीज का ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट की प्लानिंग नहीं कर सकती. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाएगा. वर्कफोर्स एनालिसिस उसके साथ साथ वर्कलोड एनालिसिस भी किया जाएगा. ठीक है, वर्कलोड एनालिसिस भी किया जाएगा. वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं करंट और एंटीसिपेटेड फ्यूचर सप्लाई ऑफ अ लेबर स्किल, आइडेंटिफाई व्हाट यू नीड एंड विल नीड इन अ फ्यूचर इन अ टर्म ऑफ लेबर स्किल कंपिटेशंस एंड द आइडेंटिफाइंग एंड अ गैप बिटवीन द करंट एंड फ्यूचर सप्लाई एंड करंट एंड फ्यूचर डिमांड. ओके, वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि भाई कितने लोग अवेलेबल हैं, जो टास्क आने वाले हैं, जो चीजें आने वाली है आगे में, कितने लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, ये देखा जाता है. ठीक है बच्चा, ये देखा जाता है, ये सब देखा जाता है वर्कफोर्स में. क्लियर है, इतना क्लियर जल्दी से बता दो. तो उस पूरे केस में यही था बच्चों, एक तो वर्कफोर्स एनालिसिस भी होगा, दूसरा वर्कलोड एनालिसिस भी आप लिख सकते हो. पर अगर लिखोगे तो सिर्फ दो दो लाइनों में ही लिखना है, सिर्फ दो दो लाइनों में ही लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ईशा मशीन वॉज अ रिनोम्ड नेम फॉर क्वालिटी शेविंग मशीन सिंस 1960. मिस्टर सुरेश द ऑनर ऑफ अ ईशा मशीन वॉज वरिड एज अ प्रोडक्शन हैड डिक्लाइन ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. He directed the production manager to find out the reason. The production manager ordered the different supervision for prepare a performance report of the workers working under them. Identify the step taken by the production manager that is related to one of the function of management. अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, एक ईशा मशीन है. अब ईशा मशीन की जो परफॉर्मेंस है धीरे धीरे कम हो रही है. ठीक है, ईशा मशीन में जो काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो रही है. तो सुरेश है जो ओनर है ईशा मशीन का, उसको टेंशन हो रही है कि भाई जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है लास्ट 3 महीने से. ठीक है, तो बच्चों इसने क्या करा, प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई क्यों हो रहा है. प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या करा, एक रिपोर्ट ला के दे दी लोगों की कि भाई लोगों की परफॉर्मेंस ये चल रही है. सो बताओ इसमें कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है, कंट्रोलिंग फंक्शन चल रहा है. अब कंट्रोलिंग में भी कौन सा स्टेप लिया है, यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन चल रहा है. वेरी गुड, कंट्रोलिंग चल रहा है और कंट्रोलिंग में भी कौन सा, क्या चीज यहाँ पे पता चली है, कौन सा स्टेप पता चला है मुझे ये बताओ. कंट्रोलिंग फंक्शन है, वेरी गुड है, कंट्रोलिंग है मैम. और कंट्रोलिंग में क्या है, यहाँ पे कंट्रोलिंग में कौन सा स्टेप चल रहा है, कंट्रोलिंग में कौन सा स्टेप चल रहा है. कंट्रोलिंग तो है पक्का, हाँ कंट्रोलिंग है, मैं कह रही हूँ कंट्रोलिंग है बच्चा. कंट्रोलिंग में कौन सा स्टेप चल रहा है ये बताओ आप. देखो हमारा कंट्रोलिंग का जो स्टेप स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या करा जाता है, फिक्स करा जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. देन क्या किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है. अब मुझे बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो जो लोग हैं उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एनालाइज कर रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एनालाइज कर रहा है. और उसके बेसिस पे उसने क्या बनाया है, रिपोर्ट बनाया है. क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड बनाया है. सो मैम यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर, द स्टेप टेकन बाय द प्रोडक्शन मैनेजर इज अ मेजरमेंट ऑफ अ एक्चुअल परफॉर्मेंस अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट. ठीक है बच्चा, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ यही देखा गया है कि भाई जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का जो हमारा फंक्शन है इसमें कौन सा स्टेप, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखा गया है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, लोगों की वर्कफोर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है ये देखी गई है. ठीक है बच्चा, ये देखी गई है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई है इस पूरे स्टेप में, है ना, इस पूरे स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई है. बिल्कुल, मेजरिंग परफॉर्मेंस, यस एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर किया गया. ठीक है,
एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद क्या देखा जाता है कि स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच का गैप कितना है। अगर कम गैप है मतलब सब कुछ सही चल रहा है, अगर ज्यादा गैप हो गया इसका मतलब क्या है, फिर से चीजों को चेंज करने की जरूरत है, फिर से जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है ना बच्चे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसका तो आंसर भी लिखा हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब एज द अरेंजमेंट ऑफ अ कैपिटल बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन विच कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड टाइप, इक्विटी एंड अ डेट। देखो बैलेंस शीट किस किसने देखी है मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट किस किसने देखी है मुझे बताओ, बैलेंस शीट किस किसने देखी है, कौन कौन बच्चा जानता है बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में मुझे बताओ, बैलेंस शीट कौन कौन बच्चा जानता है। अकाउंट्स पढ़ते हैं ना सब, इसमें ज्यादातर तो अकाउंट्स ही, बिजनेस स्टडी अकाउंट्स में ही होता है, सॉरी बिजनेस स्टडी कॉमर्स में ही होता है, तो बताओ मुझे अकाउंट्स में बैलेंस शीट किस किसने देखी है, किसी ने नहीं देखी है, किसी ने नहीं देखी, देखी है ठीक है बताओ मुझे। बैलेंस शीट में टू पार्ट्स होते हैं बच्चों, बैलेंस शीट के टू पार्ट्स होते हैं, होते नहीं होते, एक होता है हमारा लाइबिलिटी साइड का, एक होता है हमारा एसेट साइड का। एसेट्स क्या होती है कौन बताएगा मुझे, कंपनी की बता दो मुझे, देखिए ना तो बताओ मुझे। अब बचाओ लाइबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड होती है, ठीक है। एसेट साइड जिसके हम क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, वो सारी एसेट्स हमारी होती है, ठीक है। हमने किसी को पैसा दे रखा है तो वो पैसा भी हमारा ही है, हम उसके ऑनर है अभी भी। जब तक हमने किसी को उधार पैसा दे रखा है, उधार दिया है तो वो हमारा पैसा है तो वो हमारा ही होगा, ठीक है। ये सब एसेट्स में आ जाएंगे। लाइबिलिटीज देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर जो बनता है ना, जो लॉन्ग टर्म, देखो याद रखना, लॉन्ग टर्म जो हमारे फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म जो डेट्स हो गए, फंड्स हो गए, इसको क्या करता है लाइबिलिटीज, यहाँ पे बच्चों ये से बना होता है। अब बच्चों लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गए, शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल आ गया, शेयर कैपिटल में हमारे क्या होते हैं, इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, डिबेंचर्स आ गए, डिबेंचर आ गए, इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन आ गए, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये जो है ना लाइबिलिटी साइड के जो लॉन्ग टर्म फंड्स है या लॉन्ग टर्म डेट है या लॉन्ग टर्म यहाँ पे बच्चों हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये क्या बनाते हैं हमारे, ये बनाते हैं मैम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, इस साइड वाले, ध्यान रखना इस साइड वाले, ठीक है, इस साइड वाले। वैसे आगे जब आप जाओगे ना तब आप और अच्छे से पढ़ोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा, बच्चों पता है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पर पूरी एक बुक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोई भी जो कंपनी होती है अपने कैपिटल को स्ट्रक्चर करके रखती है कि भाई हमें इतना शेयर कैपिटल निकालना है, हमें इतना प्रेफरेंस शेयर निकालना है, हमें इतना डिबेंचर से पैसा चाहिए, हमें इतना लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। ये सब प्लानिंग से होता है, ऐसे ही हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग लॉन्ग टर्म लोन नहीं ले सकते, क्योंकि इससे ना कंपनी के ऊपर ही बर्डन पड़ता है, कंपनी के ऊपर ही बर्डन पड़ता है। इससे हम, ये तो शॉर्ट टर्म हो गए, लॉन्ग टर्म मैंने क्या कहा बच्चे, लॉन्ग टर्म है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, ये करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज जिसको हम एक ईयर में पे कर देते हैं वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये बच्चों किसमें आएगा, ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा, ध्यान रखना। भूल गए हो क्या, लाइबिलिटीज भी टू टाइप की होती है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों हमारे जो सोर्स होते हैं यहाँ पे कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स में हम बात करें सो इक्विटी हो गई, डेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए, ये सब इससे मिलके हमारा क्या बनता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। द डिफरेंस बिटवीन फंड दैट आर राइज्ड बाय अ फर्म इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन। हाँ, इसमें रिटेन अर्निंग भी आएगी और लॉन्ग टर्म लोन भी आएगी, बस इतना सा है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखो सिंपल सा है, किसी भी कंपनी का जो कैपिटल का अरेंजमेंट है कि वो अपने कैपिटल को कैसे अरेंज करके रख रही है, यही क्या है बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बच्चों इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो सोर्स हो गए, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनके सोर्स, यानी कितने कंपनी ने इक्विटी शेयर रख रहे हैं, कितने कंपनी ने रिटेन अर्निंग रख रखी है, कितने कंपनी ने डिबेंचर्स रख रखे हैं, कितने लॉन्ग टर्म लोन रख रखे हैं, इन सब का जो रेशो होता है ना, वही क्या होगा बच्चों, वही कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, वही क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा।
बिल्कुल ठीक है, यही क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? ठीक है, बॉन्ड्स बच्चे एक लोन के टाइप में, बॉन्ड्स जो होता है वो एज अ डिबेंचर के टाइप का ही होता है, ठीक है, जो डिबेंचर का टाइप का ही होता है। इनमें थोड़े से रूल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, बॉन्ड्स के थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है। शिखा लिमिटेड अ रेप्यूटेटेड इंडस्ट्रियल मशीन्स मैन्युफैक्चरर नीड ₹20 करोड़ एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपेंडेड द बिजनेस। मिस्टर अमित जोशी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द कंपनी वॉन्ट टू राइज फंड थ्रू इक्विटी। द फाइनेंशियल मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सिंह सजेस्ट दैट दिस शेयर मे बी सोल्ड एट अ इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएटरीज। ठीक है भाई, देखो क्या हुआ, अब तक की जो कहानी थी वो समझा देते हैं हम लोग। शिखा लिमिटेड है, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, जो इंडस्ट्रियल मशीन क्या करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब बच्चों इनको पैसे की जरूरत है, कितने पैसों की जरूरत हुई, 20 करोड़ की, 20 करोड़ की पैसों की जरूरत है, एडिशनल कैपिटल चाहिए उनको, अपनी कैपिटल जो है वो एक्सपेंड करनी है, बढ़ानी है। तो इसके लिए जो बिजनेसमैन है, कौन है, मिस्टर अमित जोशी, जो बिजनेसमैन है मिस्टर अमित जोशी, जो क्या है बच्चों, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये चाहते हैं कि कंपनी क्या करे, अपना फंड जो है राइज करे, भाई अपना फंड बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा बच्चे, कैसे बढ़ाएगा? तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, इक्विटी को इशू कर दो। चलो फंड बढ़ाने के लिए हम लोग इक्विटी जो है इशू कर देते हैं। द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सिन्हा सिंह, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है मिस्टर नरेंद्र सिंह है, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो शेयर जो बेच रहे हो, भाई आप जो शेयर जो है इशू कर रहे हो, उनको डायरेक्ट पब्लिक को मत करो, बल्कि आप क्या करो, यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज ले लो, भाई किसी और के, उससे आप क्या करो, यहाँ पे शेयर्स को इशू कर लो, किसी और को आप हायर करो और उसके थ्रू आप क्या करो बच्चों, यहाँ पे इशू कर लो शेयर को, एज द सेम विल बी लेस एक्सपेंसिव। और इससे क्या होगा, यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होगा ये चीज। नेम द मेथड थ्रू विच द कंपनी डिसाइडेड टू राइज एडिशनल कैपिटल। तो बच्चों उसका नाम क्या है, देखो दो चीजें होती है, एक तो कंपनी क्या कर सकती है, आईपीओ निकाल सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल सकती है। आईपीओ के बारे में किसी भी बच्चे को पता है क्या, आईपीआर के बारे में किसी भी बच्चे को पता है क्या, आईपीएल के बारे में किसी भी बच्चे को पता है, आईपीओ, आईपीएल नहीं, आईपीओ, आईपीओ के बारे में किसी भी बच्चे को पता है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के बारे में किसी भी बच्चे को पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी बच्चों अगर डायरेक्टली पब्लिक को यहां पे क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर लो, तो बच्चों डायरेक्टली पब्लिक क्या करती है, कंपनी के शेयर ले लेती है। वो किसके थ्रू लेती है बच्चों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू लेती है, आईपीओ के थ्रू लेती है, ठीक है। अब बच्चों कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है, आईपीओ इशू नहीं करती, वो डायरेक्टली कंपनी के साथ, सॉरी डायरेक्टली लोगों के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करती है, डायरेक्टली लोगों को इन्वाइट नहीं करती है, वो क्या रखती है, कुछ जो मीडिएटरीज देख लेते हैं, जैसे कि कोई ब्रोकर है उसके थ्रू क्या करती है, अपने जो शेयर है वो बिकवाती है। जैसे देखो कंपनी है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी हो गई मैम। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो कंपनी एक तो क्या कर सकती है, डायरेक्ट पब्लिक को क्या कर सकती है, अपने जो शेयर है वो बेच सकती है, अपना जो शेयर है वो इशू कर सकती है डायरेक्ट पब्लिक को, जिसको हमने पढ़ लिया आईपीओ से डायरेक्ट मेथड है। अब बच्चों कंपनी एक और मेथड करती है, वो क्या करती है, एक ब्रोकर रख लेती है, ब्रोकर रखती है तो क्या है, वो ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करती है, ठीक है, वो क्या करेगी, ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करेगी, और ब्रोकर क्या करेगा, लोगों को क्या करेगा, यहाँ पे उस कंपनी के शेयर बेचेगा, ठीक है, बिल्कुल। सो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको, इस मेथड को क्या कहेंगे, जो इंटरमीडिएटरीज ला रहे हैं शेयर इशू करवाने के लिए, उसको क्या करेंगे, ऑफर फॉर सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑफर फॉर सेल कहेंगे। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटी आर नॉट इशू डायरेक्टली टू द पब्लिक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिक को यहाँ पे बच्चों इशू नहीं होते हैं, और ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएट लाइक, यहाँ पे बच्चों जो ऑफर या फिर यहाँ पे सेल किया जाता है, ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि यहाँ इंटरमीडिएटरीज क्या करती है, पब्लिक को यहाँ पे सेल करती है सिक्योरिटीज। कैसे, जैसे यहाँ पे इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर या इशू हाउस को क्या करेगी, कंपनी इनसे कॉन्टेक्ट करती है और इनको कहती है कि हमारे शेयर जो है वो बेच देना। इन दिस केस अ कंपनी
सेल सिक्योरिटी इम्बोलिक आर एट एग्रीड प्राइस फॉर अ ब्रोकर हु इन टर्न रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक. ठीक है, कुछ भी नहीं है, ब्रोकर होता है, ब्रोकर क्या करता है, कंपनी के सारे शेयर ले लेता है. और वो यहाँ पे बच्चों क्या देता है, यहाँ पे जो है वो एज अ प्रॉमिस करता है कंपनी को कि यहाँ पे सारे शेयर जो है मैं बिकवा दूंगा, अगर नहीं बिके तो मैं खुद खरीद लूंगा, ऐसा प्रॉमिस करता है. ठीक है, यही चीज करता है इंटरमीडिएटरीज. ठीक है, और बदले में क्या लेता है, कंपनी से यहाँ कमीशन चार्ज करता है, कंपनी से कमीशन चार्ज करता है ना बच्चे. बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हर्ष, बिल्कुल क्लियर है. यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऑफर फॉर सेल, हमने समझ लिया कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है भाई, यानी थ्री सेमेंटिक बैरियर ऑफ अ कम्युनिकेशन. ये तो आप कर लोगे मुझे पता है, सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन तीन हमें करने हैं, बताओ कौन कौन से है. सेमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स में हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से होंगे जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर फटाफट से, कौन कौन से होंगे. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पढ़ लेना ढंग से. ओके, थ्री सेमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर दी फॉलो. ठीक है, अब बच्चों कोई भी चीज है अगर हम उसको बैडली क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो अगला वाला नहीं समझ सकता. सिंपल सी बात है, मैं कोई चीज है उसको खराब तरीके से आपको एक्सप्रेस कर रही हूं, मुझे पता है वो चीज क्या है, मैं आपको सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूं, तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे आप उस चीज को सही से समझ नहीं पाओगे. ठीक है, उस मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो सही से नहीं हो पाएगा. तो बच्चों एक रीजन तो हो गया, बैडली एक्सप्रेस मैसेज समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ हमारा वोकैबुलरी और मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स. कभी कभी मैनेजर रॉन्ग वर्ड्स यूज कर लेता है, कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता है जिसको जिसको कि जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बच्चों कम्युनिकेशन में क्या होता है, बच्चों कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं जिसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है. सो अगर हम वो वर्ड्स जो है वो सही से नहीं बताएंगे कि इसका सही मीनिंग ये आपको लेना है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जो इंप्लॉयज है उनको कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, ओके बच्चा नेक्स्ट है. अच्छा कट हो रखा है क्या, ओके पता नहीं था. चलो यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन, बच्चों ट्रांसलेशन अगर सही से नहीं हुआ तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, उस ड्यूरेशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट द एस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इनेबल अ फोरसीज द फंड्स रिक्वायरमेंट बोथ इन अ टर्म ऑफ क्वांटम एंड द टाइमिंग्स. ओके भाई, यहाँ पे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो चीजें बतानी है हमें, फंड्स रिक्वायरमेंट की किस टर्म में, एक तो क्वांटम के टर्म में, एक टाइमिंग्स के टर्म में. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा मैम द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे बच्चों ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या फाइनेंशियल कुछ भी कर रहे हैं तो भाई कहाँ से फाइनेंस आएगा, कहाँ हमें पैसा, यहाँ पे कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, पैसे का सोर्स क्या होगा, कहाँ हमें पैसा डालना है, कहाँ हमें पैसा डालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो पैसा है ना, पैसा हमारे पास आता है, हमें ढंग से प्लानिंग करनी है कि हमारा सोर्स कौन सा है पैसे का, हमारे पास इनकम कहाँ से आ रही है, अब जो इनकम आई है अब उसको बढ़ाना कैसे है? हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा पैसा क्या हो बच्चों, बढ़ जाए. तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रुजल भट्टाचार्य आफ्टर लिविंग हिज जॉब वॉन्टेड टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, एक लड़का है भट्टाचार्य है, आर भट्टाचार्य, ये क्या, इसने क्या करा, अपनी जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहता है विद हिज सन, अपने बच्चे के साथ. हिज सन वाज कीन दैट द कंपनी में स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन विद सम यूनिक फीचर. ठीक है, इसका बच्चा चाहता है कि भाई क्या होना चाहिए, मोबाइल फोन को स्टार्ट करेंगे हम, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट करेंगे विद सम यूनिक फीचर, एक यूनिक फीचर के साथ. हाँ हाँ पढ़ लिया है वंदना, बच्चे मैंने देख लिया है कि बैरियर जो है डिलीटेड है. ठीक है, डिलीटेड है. ओके बच्चा, भट्टाचार्य फेल्ट दैट द मोबाइल फोन आर प्रोन टू क्विक एब्सिलेंस और
a heavy fixed capital investment would be required regularly in this business. ठीक है, अब बच्चों भट्टाचार्य को क्या लगा? भट्टाचार्य ने ये एनालाइज किया है कि जो मोबाइल फोन्स है इसके प्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कि ये इस पे जल्दी क्या लग जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन लगने लग जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडवांस जो है होती है फोन में. उसके साथ साथ इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे हमें बिजनेस में चाहिए. Therefore, he convinced his son to start future furniture business. अब उसने अपने बच्चे को कन्विंस किया कि मोबाइल फोन रहने देते हैं, हम क्या करेंगे, फर्नीचर का बिजनेस करेंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विच मेड रिजल्ट भट्टाचार्य टू चूज फ्यूचर बिजनेसेस ओवर अ मोबाइल फोन, सॉरी फर्नीचर बिजनेसेस. फर्नीचर बिजनेस यहाँ पे बच्चों जो है भट्टाचार्य का, यहाँ पे हमें क्या एनालाइज करना है कि भट्टाचार्य ने यहाँ पे क्या एनालाइज किया जो फिक्स्ड कैपिटल जो है रिक्वायरमेंट का, जिसमें भट्टाचार्य ने ये चूज किया है कि हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जगह क्या चूज करें, हम लोग चूज करें फर्नीचर का बिजनेस करने का. तो बच्चों कौन सी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगी थी हमें, कौन सी ऐसी चीज थी जो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको इफेक्ट कर रहा था, अगर हम बात करें. सो मैम यहाँ पे बच्चों इन दिस केस अबाउट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, भाई पहली बात तो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें पता चला कि इसमें क्या होता है, क्विक ऑब्लियंस हो रहा है. क्विक ऑब्लियंस क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होता है, उससे डेप्रिसिएशन बहुत जल्दी लग जाएगा फोन पे. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है और इसकी वजह से जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी बच्चों, बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल नेचर ऑफ बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल जो होगी बच्चों उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी. ऑब्वियस बात है, अगर इतनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ हमें भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना पड़ेगा. अब जब हमारा जो बिजनेस है इतनी जल्दी जल्दी चेंज होने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा पैसा भी तो लगेगा, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी भाई, मशीनरीज चेंज होगी, उसके साथ साथ हम लोग जो हमारे ह्यूमन कैपिटल्स हैं उनकी नॉलेज में उनमें भी चेंजेस होगा, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी खूब पैसा लगेगा. सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से क्या होगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी बच्चा, चेंज होगी. ठीक है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, चेंज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क दे दूं क्या, होमवर्क दे दूं ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, होमवर्क दे देती हूँ ये क्वेश्चन, है ना, होमवर्क दे रही हूँ ये क्वेश्चन, होमवर्क दे रही हूँ वो क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क है वो क्वेश्चन. ओके बच्चा, ओके. सो बच्चा आप अपना कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में क्या करना है, जो भी आपका डाउट है उसकी क्या करनी है, फोटो खींचनी है और आप ऐप पे डाउनलोड कर अपलोड कर दो. जैसे आप ऐप पे अपलोड करोगे सो उससे क्या हो जाएगा बच्चे, उससे आपको उसी टाइम आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. यस, डाउट सॉल्विंग के लिए बहुत ही अच्छा ये जो फीचर्स है वो लेके आए बच्चों अड्डा ऐप. आपको सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, उसमें बच्चों फोटो अपलोड करनी है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको पूछना है और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. इसके अलावा बच्चों सीयूईटी पे आपकी तैयारी चल रही है, आपकी टर्म टू, यस, आपके टर्म टू प्लस आपका सीयूईटी दोनों की तैयारी चल रही है बच्चों, हम लोग आपकी दोनों की तैयारी चला रहे हैं. उसके लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बच्चों इंग्लिश हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, उसके अलावा जो डोमेन के सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग आगे जो करना चाहते हो, जो बच्चे बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स लेना चाहते हैं, बीबीए एमबीए करना चाहते हैं, तो बच्चों आपको सीयूईटी तो देना ही है. तो इसके लिए आपके डोमेन जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब की तैयारी ऑलरेडी चल रही है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें हम लोग आपका टर्म 2 प्लस सीयूईटी दोनों की ही तैयारी कराएंगे, टर्म 2 या सीयूईटी दोनों की ही तैयारी कराएंगे. ऑलरेडी 14 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुका है, सीट लिमिटेड है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दो, हमारे पास टाइम लिमिटेड है. और बच्चों उसी के साथ क्या है बच्चों, हमारा ये ऑफर भी है, ये लिमिटेड है. आपको बस बच्चों इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है. कोड कौन सा है, Y490. कोड इज Y490 और Y490 अगर आप यहाँ पे बच्चों इनरोल करते टाइम आप ये कोड यूज करोगे तो आपको भारी डिस्काउंट में, बहुत हैवी डिस्काउंट पे आप बच्चों इनरोल हो जाओगे, किसमें, इस जो है हमारे बैच में इनरोल हो जाओगे. तो जल्दी करो बच्चों क्योंकि सीट लिमिटेड है, मैं पहले भी बता रही हूँ, आपकी दोनों की तैयारी एक ही जगह हो रही है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती. ठीक है बच्चा, ओके, डाउट कहाँ गया,
ठीक है। सो आई होप सो बच्चों जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना सेशन को। आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना जरूर। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको होमवर्क करके लाना है, आपको होमवर्क करके बताना है। ठीक है बच्चे, सो मिलते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का जो 3 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, बाय। ओके, बाय बाय टू यू ऑल। बाय बच्चा, बाय बाय टू यू ऑल। बाय बाय।